केतवे नमः, आदित्याय सोमाय, मंगलाय बुधायश्च, गुरु शुक्र शनिभ्यायश्च, राहवे केतवे नमः, आदित्याय सोमाय, मंगलाय बुधायश्च। रावण तो अपनी सहायता के लिए हमारा आवाहन कर रहा है। इस प्रकार तो रावण अपने तप से हमें विवश करते हैं। वैदिक विधियों से आवाहन का सम्मान तो हमें करना ही होगा। आदित्याय सोमाय, मंगलाय बुधायश्च, गुरु शुक्र शनिभ्यायश्च, राहवे केतवे नमः। आदित्याय हमें क्षमा करें माता, ऐसी विकट परिस्थिति में भी धर्म के पालन के लिए और जो विधि का विधान आपने नियत किया उसके भी अनुसार इन्हें जाना ही होगा। आदित्याय सोमाय, मंगलाय बुधायश्च, गुरु शुक्र शनिभ्यायश्च, राहवे केतवे नमः। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुनिषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। आइए महाबली हनुमान, प्रथम पूज्य गणेश जी और लक्ष्मण जी, आप तीनों का उचित स्वागत करेंगे हम, जिससे आप यहाँ से कहीं जा ही ना सके। तुम किसी भी रूप में क्यों ना आओ, नष्ट ही होगे। कुछ भी हो जाए, हम आप तीनों को इस सुरंग से कदापि बाहर नहीं निकलने देंगे। जय श्री राम। हमारे प्रहार से हमारे ही अस्त्र नष्ट हो गए और अब मेरे वार से तुम सब नष्ट हो गए। जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों असुर बचकर भाग रहे हैं। ये एक असुर बचकर निकल गया, अब ये जाकर शेष असुरों को सचेत कर देगा। अब हम इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनका व्यूह अब सक्रिय हो गया होगा। तो हमें जाकर उस सक्रिय व्यूह को निष्क्रिय करना चाहिए। गणेश जी, मैंने इतने सम्मान से आप सबको यहाँ बुलाया,
फिर आपके मुख पर ये चिंता क्यों? मुझे आप सबके आदर सत्कार का अवसर तो दीजिए। और आपके प्रति मेरी पूजा और सम्मान के लिए मुझ पर एक छोटी सी कृपा कर दीजिए, क्योंकि जैसे भंडासुर कहता है, इतना तो चलता है। अधिक कुछ नहीं मांग रहा मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सब अपने स्थान पर स्थिर रहें, जिससे मेरे पुत्र महापराक्रमी मेघनाथ की मृत्यु का योग ना बन पाए। यहां पहुंच ही गए। नवग्रहों, अपने स्थान से हटने का दुस्साहस मत करना। नहीं दशानन रावण, तुम जो चाहते हो वो नियति के और माता पराशक्ति के विरुद्ध है। हम कदापि ऐसा नहीं कर सकते। करना तो आप सबको होगा ही, जैसा मैं चाहता हूं। इच्छा से या अनिच्छा से आप सबको मेरा ये कार्य करना ही होगा। अब चाहे हनुमान हो या लक्ष्मण या फिर गौरी नंदन, सबके प्रयास विफल हो जाएंगे। लक्ष्मण भैया, हम रावण के चक्रव्यूह के मध्य में हैं। किंतु सभी असुर सैनिक सचेत और सतर्क हैं। ये सेना हमारे प्रहारों के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगी। अब हमें अगला प्रहार शीघ्र करना होगा। किंतु अब अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेघनाथ का यज्ञ अब पूर्ण होने ही वाला है। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुनिषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंजयः प्रचोदयात्। माता निकुम्बला यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। शीघ्र वो मेघनाथ के निकट भी पहुंच जाएंगी। आशा है उसके पहले हनुमान जी, गणेश और लक्ष्मण जी उसके यज्ञ को रोक सकेंगे। सच में रावण में बल भी है और छल भी। एक और रावण ने नौकरों को बंदी बनाया और दूसरी ओर मेघनाथ ने अपनी इष्ट देवी को ही विवश कर दिया। देखो पुत्री, अब हमारी विजय में कुछ ही समय शेष है। अब को
कोई महाबली आए, उसका बल भी उसकी बाधा बन जाएगी। हमें इस युग के केंद्र में पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग ढूंढना होगा। वृत्त के दो विपरीत बिंदुओं को छूने वाली रेखा ही उसके केंद्र तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग होती है। हमें उसी को ढूंढकर मार्ग में आने वाले सभी असुरों को हटाकर इसके केंद्र तक पहुंचना होगा। इस मार्ग पर कैसे बढ़ना है ये मुझे ज्ञात है। अंत होगा तुम्हारे यज्ञ के साथ, तुम्हारा भी मेघनाद। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुन शुद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात। लक्ष्मण भैया, गणेश जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आगे बढ़कर इस पर वार करने का समय आ गया है। दुष्ट असुरों, दूर हटो। बहुत विकट परिस्थिति है, क्षणिक विलंब भी अनर्थ का कारण बन सकता है। अब हम इस व्यू के अंतिम घेरे में पहुंच गए हैं। इसको पार करते ही मेघनाद तक पहुंच जाएंगे। नहीं, इन्हें मेघनाद तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। हनुमान जी, यह असुर तो विकराल रूप ले रहा है। लक्ष्मण जी, आप चिंता मत कीजिए, इस मायावी असुर को हमारे मार्ग से मैं हटाऊंगा। श्री राम।
रहना इतना सरल नहीं है। अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। मैं समझ गया, यज्ञ समाप्त होने को है और ये असुर हमें यहीं उलझे रहने पर विवश कर रहा है। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुनिषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंजयः प्रचोदयात्। मेघनाद को सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता और उसकी सफलता मेरी विजय की घोषणा होगी। आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। ओ क्यों ना, तुम्हें ही बढ़ने दूं। अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। तो आओ, विलंब क्यों, अपना प्रहार करो। मेरे प्रहार से बच नहीं पाओगे तुम। हे माता निकुमला, मुझे आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्षमा कीजिएगा। ये क्या, किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? नहीं, इस बार पराजित नहीं होगा दशानंद। क्यों मेरी विजय का अभियान बार बार रुक जाता है? मेघनाथ का यज्ञ अधूरा ही रह गया। किसकी उदंडता है ये? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। महाबली हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। कूत अतुलित बल धामा पंचम पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बज रंगी कुमति निवार सुमति के संग। लक्ष्मण यहाँ। अब कोई मेरे पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। नहीं लक्ष्मण नहीं, भले मेरा यज्ञ सफल हो गया किंतु इस बार मेरा वध नहीं कर पाओगे तुम। आहत भी होगे तुम और अंत भी होगा तुम्हारा मेघनाद। क्या? व्यर्थ प्रहार कर रहे हो तुम तीनों। मैं सुरक्षित था
और सदा सुरक्षित रहूंगा। इस अहंकारी दुष्ट का अहंकार मुझे मिटाना ही होगा। गणेश जी, अब आप मेरे बाणों से अपनी रक्षा का उपाय सोचिए। तुम्हारे बाण हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकते मेघनाथ। लक्ष्मण भैया, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए, तब ये मेघनाथ जहां भी होगा वहां आप इस पर अपने बाणों का वार कर सकेंगे। तुम कहीं भी चले जाओ मेघनाद, मेरे बाण तुम्हारा काल बनकर पीछा करेंगे। मैंने कहा था ना लक्ष्मण, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इसका वध तो लक्ष्मण जी के द्वारा ही होना है, किंतु ये उनके बाणों से सुरक्षित क्यों है? कहीं इसमें उस दुष्ट रावण की कोई चाल तो नहीं? प्रभु हनुमान जी, भ्राता लक्ष्मण, मुझे पितृ पर्वत पर कोई दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ की सुरक्षा का कोई उपाय किया है जिससे उसका वध न हो सके। मैं वहां जाकर इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास करता हूं। मेघनाथ को अजय बनाने के लिए मैं हर संभव असंभव प्रयत्न करूँगा। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करूँगा, वो भी मुझे निराश नहीं करेंगे। हे प्रभु, मैं सदा आपका महाभक्त रहा हूँ, सदा पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की है। आपको मेरी भक्ति का फल देना ही होगा। मैं
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा और जब तक मेरा जाप संपन्न ना हो तब तक मेरे पुत्र मेघनाथ को शत्रु का एक भी बाण छू ना पाए। बस आपसे इतनी विनती है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्येर्मुक्षीयमामृता। मेरा अनुमान उचित था, ये रावण की ही योजना थी। अब जब तक नवग्रह अपने स्थान से हटकर मेघनाद का मृत्यु योग नहीं उत्पन्न करते और रावण का महामृत्युंजय जाप भंग नहीं होता, मेघनाद का वध असंभव होगा। शत्रु यदि बल नहीं छल का प्रयोग करे तो हमें उनके छल का उत्तर युक्ति से देना चाहिए। मुझे भी वही करना चाहिए। मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ और रावण को पता भी ना चले। विघ्नहर्ता श्री गणेश यहाँ आ गए तो वो हमारी समस्या को अवश्य दूर करेंगे। रावण अभी भी गणेश जी के आगमन से अनभिज्ञ है। पितृ पर्वत से आने वाली ये भयंकर ध्वनि और मेरे अस्त्र का इस प्रकार से कंपित होना किसी अनर्थ की सूचना तो नहीं? नवग्रह कहीं रावण की जाप का लाभ उठाकर चतुराई करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? बांडासुर क्या संकट के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ, स्वयं जाओ वहां पर। हाँ, मुझे पता करना ही होगा इस हलचल का कारण। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आसुरी पर्वत रावण को सतर्क करने का प्रयास कर रहा है। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मैं तभी नवग्रहों की सहायता कर पाऊंगा जब उन तक पहुंच पाऊंगा। इसके लिए तो मुझे सावधानी पूर्वक बिना कोई ध्वनि किए चलना होगा। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। सब ठीक है। नवग्रहों को ज्ञात हो गया है कि वो वहां से कदापि मुक्त नहीं हो सकते। लक्ष्मण भैया, अवश्य रावण ने मेघनाद को सुरक्षित करने के लिए वही किया है जो उसने पहले किया था। हनुमान जी, मेरे बाण से इसकी नियति से भेंट करवा कर ही रहेंगे।
अवश्य लक्ष्मण भैया, इसकी नियति तो निर्धारित है, किंतु रावण जिसे बल से अधिक छल पर विश्वास है उसने अवश्य ही नवग्रहों को विवश किया होगा। इसकी मृत्यु का योग कुंडली में बदलने के लिए साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की सहायता से इस दुष्ट के लिए अवश्य ही कवच भी बनाया होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो लक्ष्मण भैया, मैं जाके देखता हूं कि रावण ने इसकी रक्षा हेतु क्या किया है और इस सुरक्षा चक्र को नष्ट करने का क्या उपाय है। नहीं हनुमान जी, विघ्नहर्ता गणेश हमारी सहायता करेंगे, वो वहां गए हैं तो इस संकट को मिटाकर ही लौटेंगे। हमें यहां अपना ध्यान इस दुष्ट के ऊपर केंद्रित रखना चाहिए। ओ, क्या हुआ, निरुत्तर हो गए तुम दोनों? पर हार कर सकते हो किंतु मेरा भाग्य नहीं बदल सकते, क्योंकि आज मेरी कुंडली में मृत्यु योग है ही नहीं। मेघनाथ की कुंडली में मृत्यु योग लाने के लिए हमें दो उपाय करने होंगे। प्रथम मंगलदेव जी, आपको सूर्यदेव के साथ अपना स्थान परिवर्तित करना होगा। गणेश जी मैं यहाँ हूँ। और शनिदेव, आपको पांचवें स्थान से छठे स्थान पर आना होगा, तभी उसी पल मेघनाथ का मृत्यु योग उभर आएगा। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ गणेश जी। रावण की दुष्टता से मैं भली भांति परिचित हूँ। दुष्ट ने ही आप सबके मार्ग में विघ्न उत्पन्न किया है, किंतु अब चिंता मत कीजिए, मैं दूर करूंगा आप सभी का विघ्न। इसलिए योग के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित कीजिए और मेघनाथ के मृत्यु योग का मार्ग सरल कीजिए। यहाँ मेघनाथ के जीवन दीप की लौ बढ़ती जा रही है और उधर वो दुष्ट अट्टहास कर भैया लक्ष्मण और हनुमान जी का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। तुम्हारे सभी अस्त्र तो तिनकों के समान बिखर गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तविक अस्त्र और उसका प्रहार कैसे होता है। पिशाचास्त्र, पिशाचास्त्र। मंगलदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप जिनका स्थान परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं वो तो मात्र हमारे प्रतिरूप हैं गणेश जी, हम तो यहाँ रावण के बंदी हैं। इधर देखिए गणेश जी, हम यहाँ हैं। गणेश जी हम वहाँ नहीं हैं। गणेश जी, हम यहाँ रावण के बंदी हैं, हमारी सहायता कीजिए गणेश जी। गणेश जी वहां से हमारे प्रतिरूपों को ही देख पा रहे हैं, हमें नहीं, इसलिए यहां से हमारे स्वर सुनने में असमर्थ है। मेरे अनुरोध पर भी आप सभी अपने स्थानों पर ही क्यों स्थिर हैं? ऐसा क्यों है कि आप ना कुछ कह रहे हैं ना मुझे सुन रहे हैं? शनि देव, कृपा कर शीघ्र अपने स्थान से हटिए, क्योंकि यदि मृत्यु योग नहीं बना तो मेघनाथ अजेय रहेगा, और यदि रावण को ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ तो एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊं विघ्नहर्ता गणेश कि वो तो मात्र मेरा एक प्रतिरूप है। वहां से हटने की कृपा कीजिए शनिदेव, अन्यथा मैं शनिदेव को स्पर्श कर पाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? ओह, तो ये आपका वास्तविक रूप नहीं शनिदेव, अर्थात रावण ने आपको कहीं बंदी बना कर रखा है। तो
तो सर्वप्रथम मुझे वहां पहुंचकर आपको मुक्त करवाना होगा। संकट जब मुख खोले खड़ा हो तो उसका उपाय शीघ्र करना चाहिए। मुझे रावण का रहस्य ज्ञात करना होगा, अन्यथा मेघनाथ इस स्थिति का लाभ उठाकर कहीं कोई और भी बड़ा संकट ना उत्पन्न कर दे। मेरे पिशाच अस्त्र का सामना करना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। मेरे लिए तुम्हारे अस्त्र को नष्ट करना ना ही कठिन है और ना ही असंभव है मेघनाद। लक्ष्मण भैया, आश्चर्य, आपके बाणों को इसने प्रभावहीन बना दिया और अपने भीतर समाहित भी कर लिया, ये कैसे संभव है? दोनों ही मेघनाथ का सामना नहीं कर पा रहे हैं, किंतु गणेश जी वो कहाँ हैं? पितृ पर्वत पर वो ध्वनियां, तो क्या पितृ पर्वत पर उन ध्वनियों का कारण गणेश जी ही थे? यदि वो वहां हैं, तो मेरी विजय में विघ्न उत्पन्न कर रहे होंगे, मुझे उन्हें रोकना होगा। अब मैं यहाँ और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, मुझे ये विचार करना होगा कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं। हमें क्षमा करें गणेश जी, हम आप तक अपना स्वर पहुंचाने में असमर्थ हैं। हमारी दृष्टि के संकेत को समझिए गणेश जी। ये सभी इस दिशा में क्यों देख रहे हैं? ये कैसी ध्वनि है? जाना होगा मुझे वहाँ, सावधान रहना होगा मुझे। कहाँ है गणेश जी? रावण यहाँ है और मेघनाथ की जीवन लौ भी सुरक्षित है। अच्छा है कि गणेश जी यहाँ नहीं है। दशानन रावण ज्ञानी के साथ चतुर भी है, ये मुझे आज ज्ञात हुआ। ये यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने ही समीप तुम नौ ग्रहों को बंदी बना रखा है। भंडासुर ने स्वयं आकर बता दिया कि उसने आप सभी को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। अब मुझे आप सभी को मुक्त करके मेघनाथ की मृत्यु का योग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष क्यों झुका लिया? इन पिशाचों से मुक्ति के लिए तो महावीर हनुमान जी का नाम ही पर्याप्त है, नाम ही पर्याप्त है। किसी भी पीड़ा अथवा बंधन से मुक्त होने के लिए तो माता पराशक्ति श्री माता ललिता का नाम ही पर्याप्त है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। Ah!
विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आज के बाद और कलयुग के अंत तक विघ्नहर्ता गणेश और संकट मोचन हनुमान संसार के सभी विघ्न और संकट दूर करते रहेंगे। ये क्या, लक्ष्मण के बाण रुके नहीं और मेरा पिशाच अस्त्र नष्ट हो गया। अब आप सभी अपने स्थान परिवर्तित कर लीजिए। मैंने मेघनाथ की कुंडली में मृत्युयोग तो उत्पन्न कर दिया, परंतु उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक रावण का महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं रुकेगा। आज तुम्हारा युद्ध कौशल धरा का धरा रह जाएगा लक्ष्मण। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। तुम कुछ भी कर लो लक्ष्मण, किंतु पराजय का मुख तो तुम्हें देखना ही होगा। पूर्व में तो विषाक्त किया था मैंने तुम्हें, किंतु इस बार अंत करूंगा मैं तुम्हारा अंत। मेरा पिशाच अस्त्र सफल हुआ तो क्या हुआ, किंतु मेरा वैशावी शक्ति नली का अस्त्र कदापि विफल नहीं होगा, कदापि नहीं। नली का अस्त्र? नली का अस्त्र तो महाविनाशिनी अस्त्र है, उसका प्रयोग करेगा ये दुष्ट। मेघनाथ सचमुच में एक कुशल योद्धा है, पहले अपने शत्रु को अवसर देता है और फिर अपना वास्तविक युद्ध कौशल दिखाता है। इस युद्ध का अंत लक्ष्मण का भी अंत होगा और आरंभ होगा मेरी विजय के मार्ग का। नलिकास्त्र। आकार में सबसे छोटा किंतु सबसे सर्वनाशी अस्त्र है। इसके विनाश की परछाई का प्रभाव युद्ध भूमि के बाहर भी पड़ता है और ये किसी भी आसुरी अथवा दिव्य कवच को भेद सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग निषिद्ध है। युद्ध के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग सर्वथा अनैतिक है, क्योंकि इससे वार करने वाले को अनुचित लाभ मिलता है। मेघनाथ का सुरक्षा कवच मिटेगा तभी समानता का युद्ध संभव होगा। गणेश, हम इसके लिए रावण का ध्यान भंग नहीं कर सकते, ये वैदिक धर्म के विरुद्ध होगा। लक्ष्मण भैया, हमें मेघनाथ द्वारा इस अनर्थकारी अस्त्र के प्रयोग को रोकना होगा।
इंद्रास्त्र इंद्रास्त्र स्वयं इंद्रजीत को इंद्रास्त्र का भाई दिखा रहे हो तुम? ये क्या हानि पहुंचा सकता है मुझे? जब कोई भक्ति में डूबकर मंत्रोच्चारण कर रहा हो तब उसका ध्यान भंग करना वैदिक धर्म के विरुद्ध है, किंतु उसकी भक्ति की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि यदि वो किसी अनुचित प्रयोजन से मंत्र जाप कर रहा है तो उसके अंतर को भी ये अवश्य ज्ञात होगा और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। मेघनाद, तुम भूल रहे हो, इंद्रास्त्र तुम्हारे अंत का कारण बना था और पुनः बनेगा। जो हो गया वो हो गया, किंतु अब जो होगा उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। जय मां पराशक्ति, 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 जय मां पराशक्ति। ये चारों तरफ अंधकार क्यों होने लगा? किसी अनिष्ट की परछाई लग रही है मुझे। ये कैसे संभव है? मुझे गर्व है तुम सब पर। मेरे पुत्र मेघनाथ का वध कर दिया लक्ष्मण ने। चंद्रहास इसका प्रतिशोध लेगा। नवग्रहों, तुमने मेरे पत्र मेघनाथ के कुंडली में मृत्यु योग उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारा अंत होगा। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। विफलताओं के सागर से विजय का मोती चुनना होगा मुझे।
कुछ तो शीघ्र करना होगा। लंकेश, असफल ही होने आए थे क्या? पहले की निराशा पर्याप्त नहीं थी क्या? बताइए मुझे, ये कैसा युद्ध कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम कुंभकर्ण का अंग और फिर तुम्हारे पुत्र मेघनाद का अंग, क्या हुआ आपके उस अभिमान का कि आप तीनों, तीन ही नहीं असंख्य असुरों के समान हैं? क्या हुआ आपके उस वचन का कि आप मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे? आप इस प्रकार पराजित क्यों हो रहे हैं दशादन? दोष मेरा नहीं, तुम्हारा है भंडासुर। मेघनाद लक्ष्मण और हनुमान का सामना कर रहा था, बाकी सभी चुनौतियों का सामना करने का उपाय मैं कर चुका था, किंतु तुम विघ्नहर्ता गणेश को विघ्नकर्ता बनने से नहीं रोक पाए और उन्होंने यहाँ आकर सारे नौ ग्रहों को मुक्त कर दिया। नहीं, यह असंभव है। मैंने स्वयं यहाँ आकर देखा था, यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो नौ ग्रह मुक्त कैसे हुए? मेरे पुत्र मेघनाद का मृत्यु योग कैसे बना? मेरा ध्यान कैसे भंग हुआ? इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर, कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं? 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 जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो। त्रुटि तो हुई है मुझसे, मेरा त्याग जो अधूरा रह गया। पिताश्री के नेत्रों में मेरे लिए कैसा संशय है? नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? मेरी त्रुटियां गिनाने के लिए नहीं, मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपको पुनर्जीवित किया है मैंने। विजय तो तुम्हारी ही होगी भंडासुर, इस युद्ध का अंत नहीं हुआ है अब तक। युद्ध का प्रारंभ उन्होंने किया था, अब इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। अब ये इस युद्ध का अंतिम चरण है, क्योंकि अब रावण के सिवाय युद्ध के लिए कोई अन्य असुर शेष नहीं, इसलिए अब युद्ध करने वो स्वयं आएगा। शक्ति, आपकी कृपा से मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। श्री राम, ये रथ स्वीकार कीजिए। धन्यवाद माता।
श्री राम, इस बार रावण आपके हर अस्त्र के लिए तैयार है। पर्वतास्त्र, इस शिला रूपी पर्वत अस्त्र का क्या प्रभाव होगा? ये पर्वत रूपी अस्त्र हम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा।